Welcome students, welcome to Tipol Kindergarten Rauri Factory. Today we learn Hindi subject. अगला व्यंजन कौन सा है आज हम सीखने वाले? ग और घ। कल हमने क्या पढ़ाया था? क और ख। देखो नलिनी अक्षर का बुक निकालना है। पेज नंबर फिर से हम कल का को देखेंगे। कल सिखाया था वो 70। क से कौन सा शब्द आता है? कबूतर। क से कमल। क से कछुआ। ये क से शुरू होने वाले शब्द। ख ये कौन सा व्यंजन है? ख का। ख से खरगोश। ख से खटमल और ख से खत। ये ख से शुरू होने वाले शब्द है। आज हम क्या सीखने वाले हैं? ग। कौन सा वर्ण? ग। ग से गमला। देखो बुक में देखना है। ग से गमला। ग से गधा। गधा मालूम है ना सबको? ये है गधा। ग से गधा। ग से गाजर। ये ग से शुरू होने वाले शब्द है। तो देखो यहाँ मैंने बोर्ड पर गमला का चित्र निकाला है। देखो ये गमला। गमला यानी कुंडी। ये गमला ग से शुरू होने वाले शब्द। और भी ग से शुरू होने वाले शब्द है, जैसे कि ग से गणपति, ग से गमला, ग से गधा, ग से गाजर। ये शब्द आते हैं। तो देखो ग किस तरह से निकालना है। देखो टेक योर पेंसिल इरेजर, राइट टू लाइन के नोटबुक में लिखना है ग। देखो किस तरह से लिखना है। स्टैंडिंग लाइन ये है ग। देखो इस तरह से ग लिखना है। फिर से देखो इस तरह से ग लिखना है। आया का समझ में? टेक योर पेंसिल, राइट योर नोटबुक। देखो ये है ग। ग से गमला। ग से गणपति। ग से और कौन से शब्द आता है? गधा। सबको मालूम है ना गधा? देखो इस तरह से लिखना है ग। ग से गाजर। गाजर भी सबको पसंद होगा। ये ग। देखो इस तरह से लिखना है ग। पढ़कर लिखना है तो समझ में आएगा। एक ग एक ख एक, इस तरह से लिखकर पढ़ना भी है। देखो ये हुआ ग। क्या हुआ? ग। इस तरह से ग लिखना है। समझ में आया क्या आपको? ये बुक में पढ़ना है। फिर से देखो ग से गमला, ग से गधा, ग से गाजर। ये ग इस तरह से आपको निकालना है। ये होमवर्क 2 पेज आपको घर पे करना है। समझ में आया क्या? ये है ग। और अब हम क्या लिखेंगे? ग के बाद कौन सा वर्ण आता है? घ। ये कौन सा स्वर है? घ का। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? ग घ। तो देखो घ से भी कौन से शब्द आते हैं? देखो बुक में पेज नंबर 20 बुक पेज नंबर निकालना है। देखो घ से घर। सबको घर है ना? ये घर। घ से शुरू होने वाले शब्द है घ। घड़ा, घंटी। ये है घ से शुरू होने वाले शब्द। देखो फिर से देखो ये है घ। कौन सा वर्ण है?
घ का। घ से घर। कौन सा शब्द आता है? घर। घ से घड़ा और घ से घंटी। देखो ये पढ़ना है घर पे। देखो आप, अब हम घ किस तरह से निकलना है ये देखो। देखो इस तरह से घ, टू लाइन के नोटबुक में देखो ये घ लिखना है। आगे देखो ये घ क्या हुआ? घ। फिर से देखो घ, घ से घड़ा, घ से घड़ी, घ से घंटी। देखो इस तरह से घ लिखना है। आया समझ में? फिर से देखो घ, ये हुआ घ। देखो घ पढ़कर लिखना है। देखो ये हुआ घ, इस तरह से घ लिखना है। घ से कौन से शब्द आते हैं? घ से घड़ा। घड़ा मालूम है सबको? घ से घड़ा, घ से घड़ी, घ से घंटी। देखो बुक में घंटी। घ से घड़ा, घ से घंटी, घ से घर। घर मालूम है ना सबको? ये है घर। घ से शुरू होने वाले शब्द है ये। घ आपको नोटबुक में लिखना है। ये होमवर्क टू पेज करना है। समझ में आया क्या? ये घ, घ पढ़कर लिखना है। ये होमवर्क टू पेज, ये होमवर्क भी टू पेज करना है। घ, घ, घ और ये शब्द सब घर पे पढ़ना है। समझ में आया क्या ये सब? थैंक यू।